आज भी मैं फर्स्ट नेम बेसिस पे हूँ विद पीपल इन माय एरिया, चाहे वो न्यूज़पेपर बेचने वाला हो या वो मेरा पोस्टमैन हो, चाहे वो रिक्शा ड्राइवर भी हो। मैं पहले 5:30 बजे उठ के चलती थी वॉक्स के लिए। 2 बजे सुबह अगर मुझे रिक्शा लेना था, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं था, वो जंप इनटू रिक्शा बिकॉज दिस इज़ माई शहर। आज मैं नहीं लेती हूँ, दुनिया बदल गया है। यू हैव टू फील अ लिटिल मोर कॉशियस एज अ वुमन व्हेन यू गो आउट देयर, इवन एज अ मैन। तो माहौल बदला है, वो तो बदला है, क्यों बदला है, किसने बदलाया है, वो बात करने यहाँ पे हम नहीं बैठे हैं, वो डिस्कॉस हो जाएगा। मगर अगर नसीरुद्दीन शाह या आप या मैं, हम हिंदुस्तानी हैं ना, ये हमारा घर है ना, अगर कोई भी अपने आप को घर में महफूज नहीं फील करता है तो उसका हक नहीं है कहने के लिए। अपने माँ बाप को, अपने बुज़ुर्ग को, अपने बड़े को आप कह नहीं सकते हैं कि मुझे लगता है कि मुझे घर में प्यार नहीं मिल रहा है अभी, कि मुझे डर लग रहा है। तो फिर हमारे घर वाले क्या करेंगे उस टाइम पे, पत्थर फेंकेंगे हमारे ऊपर या हमें कहीं ना कहीं कन्विंस करेंगे कि नहीं बेटा, डोंट फील दिस वे, यू आर सेफ हियर। मगर अगर मैं कोई फीलिंग को एग्जिबिट करूं और आप उसी फीलिंग पे पत्थर मारेंगे तो फिर आप क्या प्रूफ कर रहे हैं, आप प्रूफ क्या कर रहे हैं कि वाकई मेरी बात में कुछ तो सच होगा। तो मैं अपने आप को बिल्कुल अनसेफ नहीं मानती हूँ। आई फील कि मैं महेश भट्ट की बेटी हूँ, एक जेनेटिक फ्लॉ है मेरे रगों में, उनका खून है। मैं मुझे जो मेरे जहन में जो आता है, मेरा दिल जो कहता है, मैं लोगों के सामने बिना कोई अडल्ट्रेटेड वर्जन उसे एडिट नहीं करती हूँ, मैं सामने लाती हूँ। और अगर मुझे मेरे ओपिनियंस के लिए मेरे देश वाले ही मारें तो अच्छा है ना, कि खुद के ही हाथे मौत मिले, बाकी दुनिया के हाथ तो मौत नहीं मिले। अगर यही हकीकत है मेरे देश की कि अगर मैं कुछ कहूँ और वो लफ्ज़ के लिए मुझे मारा जाएगा, तो फिर ठीक है, मेरे घर वाले ने मार दिया मुझे। जो फीमेल इन्फेंटिसाइड आपने तब नहीं किया था, आप 50 साल की उम्र या 46 साल की उम्र में करेंगे, क्यों? क्योंकि मैंने ओपिनियन दी है। क्या हम ऐसे नेशन बन गए हैं, हम इतने टॉलरेंट कब से बन गए हैं, सवाल मैं ये पूछती हूँ। सो आई थिंक दैट लेट पीपल से वॉट दे वॉन्ट टू से। आप वो नहीं कंट्रोल कर सकते हैं, आप अपने रिएक्शंस कंट्रोल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच मैम, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। ओके सर, सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन, कैबरे आने वाली है 9th ऑफ जैन को Z5 के एक्टर, तो आप लोग बताइए कितने एक्साइटेड हैं आप लोग इसको लेकर। एंड रिसेंट जी, हम आप कह सकते हैं कि आपकी इनिंग पे इनिंग आप खेल रहे हैं, लाइक क्रिकेट की दुनिया से हमने आपको देखा है, आपने 2 क्वेश्चन मिक्स कर दिए। पहले तो आपने पूछा कि हम कितने एक्साइटेड हैं आप फिल्म कैबरे जो 9 जनवरी को जिसका डिजिटल वर्ल्ड प्रीमियर होने वाला है, इसे प्रूव करने के लिए कि हम बड़े एक्साइटेड हैं। फिल्म का एक गाना है जो ऋषा चड्ढा ने किया है, लेकिन बैठे बैठे उसके ऊपर एक्साइटेड डांस श्री शांत करके दिखाएंगे। कमाल। अरे अलग ही नहीं है इसमें, मेरा गाना नहीं है, लेकिन ये पिक्चर में नहीं है। मैं गाते अच्छे नहीं हूँ, मैं डांस अच्छा करता हूँ। चलिए जी, आप गाएंगे पीछे से प्लीज जी, पिक्चर का गाना। वो सिर्फ आखिरी शाम में हमारे अभी इंटरव्यू हुआ, तो सर हाँ जी हाँ, और प्लेबैक वो करेंगे, प्लेबैक शुरू कर रहे हैं। चलो मैं इतना बोलना चाहूँगा, आपके क्वेश्चन का आंसर बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा। आखिरी शाम है, जागरे राम है, आखिरी शाम है। नहीं पता है मुझे, इसमें मैं एक्चुअली डांस नहीं कर रहा हूँ, तो मैं इतना बोलना चाहता हूँ कि ऋषा चड्ढा ने बहुत ही अच्छी परफॉर्म किया है, और ऑब्वियसली ये मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण रोल है, और मेरा पूरा कोशिश ये था कि मैं इसको पूरी अच्छे दिल से निभाए, और पूजा दी ने अच्छा एक प्लेटफॉर्म दिया है मुझे, तो होपफुली दिस विल हेल्प मी टू गेट फर्दर रोल्स। और डिजिटल प्लेटफॉर्म में रिलीज़ हो रहा है, और हमेशा सर हमेशा बोलते हैं, क्योंकि ये सिर्फ छोटे पर्दे के लिए नहीं था, बड़े पर्दे के लिए प्रॉपर बॉलीवुड, बिग बॉलीवुड रिलीज़ था, तो हर डिटेल्स बहुत ठीक तरह से, जैसे पूजा दी हमेशा एक एक चीज़ सोच समझ के टाइम लेके, इट्स लाइक ए बेबी फॉर, इट्स लाइक ए ड्रीम कम ट्रू फॉर एनी प्रोजेक्ट विच शी डज। सो उनमें एक किरदार प्ले कर रहा हूँ चेटा करके, तो आई एम वेरी थैंकफुल टू द होल टीम, स्पेशली पूजा दी एंड महेश सर, एंड आई वॉज वेरी लकी टू सी हिम वर्क, एंड यू नो आई हैव एन इंटरेक्शन विथ हिम, एंड ऑल्सो
that helped me in the next movies which I did. Like I did couple of other movies also too. अभी future में भी अभी ये work करने के बाद मैं excited था कब release होंगे और मुझे I am really excited now क्योंकि digital platform में कोई भी देख सकता है और हर किसी का नहीं बिल्कुल जैसे सही कहा पहली बात तो ये कि बिल्कुल वाकई excited हैं दूसरी बात ये कि ये सिनेमा बड़े सिनेमा के लिए बड़े पर्दे के लिए बनाई गई ये फिल्म और जैसे कि समय के साथ चलना इवॉल्व होना बहुत ज़रूरी है फिल्म बनाने वालों ने डिसाइड किया कि ये पिक्चर सिनेमा घर में नहीं दिखाई जाएगी ये पिक्चर डिजिटली दिखाई जाएगी डिजिटली प्रीमियर किया जाएगा वर्ल्ड प्रीमियर 9 जनवरी को और इसमें जो डिजिटल व्यूइंग है उन लोगों का एक्सपीरियंस एक नया पॉजिटिव शॉक होगा उन्हें कि इतनी शानदार फिल्म क्योंकि बनाने वाले जो हैं वो पिक्चरें बड़ी इंटरेस्टिंग बनाते हैं हमेशा से ये जो पूजा भट्ट जो हैं जो फिल्में बनाती हैं जो कहानी चुनती हैं ऐसी एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंसेस ऋचा चड्ढा ने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस की है इतना वेरिएशन है उसके कैरेक्टर में कि एक गांव की लड़की रज्जो से रोज़ा तक की उसकी जर्नी उस जर्नी में क्या कहते हैं बहुत सारे कैरेक्टर्स बुरा करते हैं कुछ उसका अच्छा करते हैं कुछ बुरा करते हैं बुरा करते हैं अच्छा करते हैं वो पता चल जाए ट्रेलर में तो मेरे साथ धोखा हुआ वो क्या है कि ट्रेलर में मेरा रोल कटवा दिया लोगों ने हाँ वो पता नहीं लगा इतना बोलना चाहूँगा कि आप बार बार देखिए देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कौन अच्छा है कौन बुरा है ये सस्पेंस थ्रिलर है और इधर रिचा भी विलन हो सकता है कुछ भी हो सकता है इधर आपको देखना चाहिए आप गुलशन देवे भी विलन हो सकता है आप यू नो गुलशन ग्रोवर विलन नहीं है आपको देखना पड़ेगा मैं इतना बोलूँगा कि बहुत यू नो वी हैव बीन वेटिंग बहुत टाइम से वेट कर रहे थे और आई एम रियली एक्साइटेड मैंने एक भी बार पूरी मूवी देखा भी नहीं है तो मैं भी सीधा Z5 डिजिटल में अपने डाउनलोड करके यू नो यूनिट के साथ देखूंगा और ये जो मेरा जो दूसरा सवाल ये था कि डिफरेंट इनिंग आप खेल रहे हैं मतलब क्रिकेट की दुनिया से हमने देखा बिग बॉस वहाँ पर आपको आपके डिफरेंट अंदाज में देखने को मिला देन आप कैबरे ये जो डिफरेंट इनिंग आप खेल रहे हैं कितना इंजॉय कर रहे हैं आप कभी सेंचुरी कभी नहीं भगवान के शुक्र है भगवान के शुक्र अपॉर्चुनिटीज मिल रहा है पापा ने हमेशा ही एक ही बात सिखाया कि कोई भी चीज़ कर रहे हो आप पूरे दिल से और शिद्दत के साथ करना और भगवान की कृपा से जब मैं क्रिकेट खेलता था पूरे दिल से और पूरी शिद्दत के साथ खेलता था और केरल का एक लड़का कभी सोचा नहीं था कि सचिन तेंदुलकर के मिल पाएंगे उसका फिलअप करके मैं सोचता था कि सचिन तेंदुलकर के साथ एक ब्रेकफास्ट कर पाएंगे मगर उनके साथ खेलना उनको आउट करके एक्चुअली इंडियन टीम में आना वो सब ड्रीम कम ट्रू था जब उनके साथ वर्ल्ड कप की जब वो पकड़ा है और उनके साथ में खड़े होकर वर्ल्ड कप को पकड़ना आई थिंक इट वाज अ ड्रीम कम ट्रू तो बहुत लोगों को मोटिवेशन मिला तो उधर से जब मैं मूवी फील्ड में आया स्टार्टिंग विद पूजा दी एंड माया सरन कौस्तुभ भाई एंड ऑल दैट आई थिंक इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी वर्किंग विद ऑल दिस पीपल लेजेंड सो मैं इतना बोलूँगा कि आगे भी जब कभी भी मैं ड्रीम करता हूँ तो बहुत बढ़िया बढ़िया ड्रीम करता हूँ तो अभी भी मेरा वही है कि शुरुआत इतना अच्छा हुआ है तो मेरा अभी 2-3 मूवी कन्नड़ा में भी किया है बिग बॉस जो भी हो खतरों के खिलाड़ी हो जो भी हो वो सब हर दिन आई हैव गिवन द वेरी बेस्ट वेदर इट्स सैड वेदर आई एम हैप्पी आई हैव गिवन द वेरी बेस्ट एंड आई हैव ट्राइड टू बी एज रियल एज पॉसिबल जब कोई भी कैरेक्टर भी प्ले किया आई हैव ट्राइड माई वेरी बेस्ट टू बी एज रियल एज पॉसिबल तो आई थिंक दैट इज़ हेल्पिंग मी टू स्विच ऑन एंड स्विच ऑफ इन लाइफ एंड That's the best answer I can give. God's been extremely kind. So, Gulshan sir, आपने लंबा अरसा दिया है Bollywood को, लेकिन जिस तरह के हालात का कैरेक्टर क्या है, उसके लिए आप सोचते हैं कि मतलब Bollywood का कोई मेंबर सपोर्ट नहीं करता या किसी आगे बढ़कर नहीं आते? किसका? जिस तरह कैरेक्टर जिन हालात में थी फाइनेंशियली की प्रमोशन के लिए? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं था ऐसा कुछ नहीं था देखिए जी मेरा ख्याल है कि ये पिक्चर बड़े पैशन से बड़े उससे और पैशन और डिटेलिंग की वजह से पिक्चर को बनाने में ज़्यादा टाइम लगा और जिन जिन जिस पावर के लोगों ने इस पिक्चर को बनाई है उनकी पावर उनकी स्ट्रेंथ और उनकी समझदारी के सामने कोई चीज़ रोक नहीं सकती है मैं राइट करेक्ट जी तो ये कभी कभी क्या होता है जो थोड़ा
बुरा होता है वो इवेंचुअली अच्छा हो जाता है, कि आज ये पिक्चर अगर डिजिटल प्लेटफॉर्म पे इसका वर्ल्ड प्रीमियर हो रहा है तो ये दो तरह से, एक तो ये कि ये वाकई देखिए हम सैकड़ों फिल्मों में काम करते हैं और पहले पहले मैं शुरू शुरू में मैं जब ये हर फिल्म की तारीफ़ करते हुए झूठ बोलता था तो बाद में फिर मैंने कहना भी शुरू कर दिया उसके एंड में कि इस पिक्चर में हमने बड़ी मेहनत से काम किया है, पैसे भी लिए हैं, हमको कहा है प्रमोशन अच्छी करना, अब पिक्चर के बारे में अच्छा बोलना, मेरा बड़ा अच्छा रोल है, हम दोनों को साथ में काम करके बड़ा मज़ा आया, ये सब रटे हुए सवाल ज़रूर बोलते थे हम पिक्चर को प्रमोट करने के लिए। फिर उसके बाद जब समय ऐसा आ गया कि यार ये रटे हुए सवाल बोलने की ज़रूरत नहीं है, ऐसी खामखा की तारीफ़ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी एक अपनी भी क्रेडिबिलिटी है, एक पोजिशनिंग है, तो तब मैं बात वो कहता हूँ जो मेरे मन को सही लगती है पिक्चर को लेकर। पिक्चर में हूँ इसकी खुशी है क्योंकि इस परिवार से मेरे पारिवारिक संबंध है भट्ट परिवार से। इसके अलावा सिनेमा मैंने बहुत सीखता हूँ भट्ट साहब से, एंड पूजा से मेरी बड़ी गहरी मित्रता है। ये पिक्चर जो है इस पिक्चर में होने की वजह से मैं यहाँ पर प्रमोट करने आया हूँ। उसके साथ साथ मैं ये कहता हूँ कि ये पिक्चर जो है शायद इस पिक्चर के भाग्य में था कि दूसरे डिजिटल बनाने वालों की नींदें हराम कर देना, क्योंकि जब ये इस लेवल की फोटोग्राफी, विजुअल्स, ग्रैंड प्रोडक्शन, गाने, संगीत, म्यूजिक, कपड़े, कॉस्ट्यूम्स, डायरेक्शन, द वे द स्टोरी इज गोइंग, डिटेल्स हैव बीन वर्कड आउट, ये जब डिजिटल पर दिखाई जाएगी तो इस पिक्चर ने डिजिटल पर आकर कुछ खलबली मचानी थी, ये शायद इसकी डेस्टिनी थी। इसलिए जिन तकलीफों की आप बात कर रहे हैं ना, वो तकलीफें हुई, करेक्ट, देर आया तो दुरुस्त हाँ, और अदरवाइज थिएटर में लग जाती, आई एम श्योर वहाँ भी बहुत अच्छी चलती, और शायद जितने प्रमोशन के लिए बजट चाहिए था शायद उतना ना होता, कुछ भी होता, बट राइट नाउ इट विल बी रिमेम्बर्ड एज अ फिल्म ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म दैट केम एंड सॉर्ट ऑफ, जो लोग थोड़ी आसानी से कर रहे थे डिजिटल पर काम, या थोड़ा सो रहे थे या ईजी ले रहे थे, उनको झंझोड़ देगी, जगा देगी, ये तय है। सॉरी नहीं, अभी मैं कहना चाहता हूँ कि अभी बिग बॉस जब किया तो सर सबने बोला था सुशांत क्यों कर रहे हैं आप, आपको बहुत सहनना पड़ेगा, सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, सर्वाइव करोगे क्या? तो मैंने एक वर्ड बोला था जब मैं निकला था, मैं बोला था सुशांत जस्ट डिडंट सर्वाइव बिग बॉस, ही रूल्ड इट। तो कैबरे इज नॉट हियर टू जस्ट टू कम टू डिजिटल वर्ल्ड, कैबरे इज हियर टू रूल इट। क्या बात, बदलाव सिनेमा जिंदगी हर चीज का हिस्सा है। बदलाव का दो तरह का रिएक्शन होता है, या तो आपसे बदलाव झेला नहीं जाता तो आप पुराने ज़माने की बात करते हैं, पहले की बात करते हैं, हमारे टाइम, हम उस वक्त। मेरी नज़र में उन लोगों की जगह, उनके उम्र से कुछ लेना देना, उनकी जगह नीम के पेड़ के नीचे बैठे वो चार छः बुड्ढों की जगह पर है, जो ये कहते रहते हैं आजकल के बच्चे समझते नहीं हैं, हमारे टाइम में आपके टाइम में जो आपने किया वो रेलेवेंट था, आज के टाइम में जो ये कर रहे हैं इनकी नज़रों में करेक्ट है। ये कौन तय करेगा वो सही है, वो बेहतर है, ये बेहतर है, कोई नहीं तय करेगा। जब तक ये तय करने का मौका आएगा और आगे आने वाले कहेंगे कि what you guys did couple of years back, it doesn't make sense anymore. So, मैं बदलाव के साथ चलता हूँ, लेकिन उतना जितना बदलाव मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ, जितना मैं बदलाव के साथ जुड़ना चाहता हूँ जुड़ता हूँ, बदलाव को रेजिस्ट नहीं करता। जो रेजिस्ट करेंगे वो रह जाएंगे नीम के पेड़ के नीचे बैठे हुए बुड्ढों की तरह से। करेक्ट है कि नहीं? ब्रिलियंटली सेड। अभी इसके बारे में कुछ नहीं बोलूंगा कि एक्सपीरियंस इज समथिंग विच टैलेंट कैन नो, बट दिस इज ब्रिलियंट ब्रिलियंट ब्रिलियंट, बिकॉज क्रिकेट फील्ड में, स्पोर्ट्स फील्ड से जिधर से मैं आता हूँ वही है कि लोग बहुत कंपेयर करते हैं आजकल के क्रिकेटर्स को पुराने क्रिकेटर्स से, कंपेरिजन ही नहीं है। आजकल कॉम्पिटिशन डिफरेंट है, उस वक्त की कॉम्पिटिशन डिफरेंट, फैसिलिटीज डिफरेंट है, टैलेंट डिफरेंट है, तो वी हैव टू रेस्पेक्ट एवरी इंडिविजुअल फॉर व्हाट दे डू। एक्सपेरिमेंटल
उसके पहले भी काफी बार काफी फिल्मों को क्रिटिसाइज किया. कैबरे ओनली कैबरे ज्यादा ज्यादा कंट्रोवर्सियल हम नहीं जाना चाहते. सिर्फ आप Zee5 डाउनलोड कीजिए और कैबरे मूवी को बार बार देखिए. अगर आपको कुछ अच्छा लगे तो वो सीन बार बार देखें और इनक्रेज करते रहना. Zee5 में और मूवीज आएंगे उनको भी सपोर्ट करना. जी दोनों से जानना चाहेंगे कि ऋचा जी भी हैं इस फिल्म में, आज हम उनका हम कैबरे डांस भी देखेंगे. तभी फिल्म का नाम है कैबरे. आप लोगों ने कितना के आपके साथ का कैसा रहा एक्सपीरियंस ऋचा? तो मेरे बहुत सीन है ऋचा के साथ. ऋचा शायद जो जो तकलीफ पहुंची है उसकी ज़िंदगी में फिल्म में, शायद मेरा उसमें काफ़ी कंट्रीब्यूशन है. तो बड़े बड़ा बहुत ही टैलेंटेड एक्ट्रेस है, मेहनती एक्ट्रेस है. और चूंकि ये रोल बड़ा चैलेंजिंग था और यहाँ पर दो डिफ़िकल्ट लोग थे, एक थी पूजा भट्ट और एक पिक्चर के डायरेक्टर कॉस्टी. दोनों की एक्सपेक्टेशंस, दोनों का उस कैरेक्टर को लेकर जो ऋचा से ज़रूरत थी उसको निकालने के लिए यू नो लाइक शी हैड टू गो थ्रू अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क एंड ऑल्सो फिजिकली. उसे ट्रिमर स्लिमर बहुत यू नो लाइक सेक्सी सुंदर वो जिस तरह के कॉस्ट्यूम्स हैं, जिस तरह की प्रेजेंटेशन है. एंड ऋचा एक्चुअली इस पिक्चर में सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस ऋचा की है. ये पिक्चर जब लगेगी लोग हमारे बारे में ज़रा बहुत बात करेंगे, लेकिन बात करेंगे तो ऋचा की बात. सेम ऋचा के साथ काम करके बहुत बहुत अच्छा लगा क्योंकि आई थिंक शी इज़ लुकिंग एट हर बेस्ट इन दिस मूवी. और मुझे लगा कि जब वो रिलीज हो रहा है, मैं तो ऐसे ही बोलता था बहुत सारे अवार्ड्स वगैरह मिले क्योंकि कैरेक्टर ऐसा दो डिफरेंट कैरेक्टर्स प्ले करते. तो बहुत मुझे लगता है कि इट वॉज़ एन ऑनर एंड दैट टू शी डज अ लॉट ऑफ थिएटर ऑल्सो. तो ऐसे एक एक्टर के साथ काम करना मेरे लिए बहुत अच्छा लगा क्योंकि उस वक्त पे जब मैं शुरुआत कर रहा हूँ, अभी भी शुरुआत ही कर रहा हूँ, तो इट वाज अ ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस. आई विश हर ऑल द वेरी बेस्ट इस मूवी के बाद. आई रियली होप यू नो शी गेट बैक इनटू फिटनेस एंड वेयर शी लुक्स एट हर बेस्ट. चलिए जाते आते अपने ऑडियंस के साथ में, लेकिन और आपसे जानना चाहेंगे आज ही जो हमने ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज तो सर का विशेष. बिल्कुल ऑल द बेस्ट. मैं इतना बोलना चाहूँगा वेल डन भारत की टीम. हम लोग जीते उधर और बहुत सालों बाद बहुत अच्छा लग रहा है. तो हैट्स ऑफ टू द टीम. मैं दो तीन दिन पहले बोला था, अभी केरला के एक इंटरव्यू में मैं बोल रहा था कि हमारे पास 25-30 लोग ऐसे होते हैं क्रिकेटर्स जो कभी भी किसी को भी हरा सकता है. तो मुझे लगता है 2019 के वर्ल्ड कप हम लोग जीते और यू नो बहुत बहुत आगे निकले. इट इज़ गुड टू विन द ऑस्ट्रेलियन सीरीज. अभी मुझे पूरे यकीन है कि हमारा टीम ऐसा है कि हम वर्ल्ड कप इंडिया जीतेंगे. थैंक यू. प्लीज़ वॉच द मूवी.